नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एसी सर्किट में आरएल श्रेणी सर्किट क्या होता है। आरएल श्रेणी सर्किट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और एग्जाम सेट छने वाले क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार उन राशियों का मान ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि धारा व वोल्टेज में क्या संबंध होता है, धारा व इम्पिडेंस में क्या संबंध होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है, किस प्रकार कालांतर का मान कम होता है, किस प्रकार कालांतर का मान बढ़ाया जा सकता है, आरएल श्रेणी सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप लास्ट एंड तक देखोगे तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में कन्फ्यूज है, जो आपके दिमाग में डाउट है, वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे और आप इस प्रकार के सर्किट से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का आसानी से सोल्व करके उसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आरएल श्रेणी सर्किट क्या होता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिए। तो ये होता आरएल श्रेणी सर्किट। देखो, आरएल श्रेणी सर्किट, श्रेणी परिपथ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आरएल श्रेणी सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट इन एसी, आरएल सीरीज सर्किट सर्किट इन एसी, एसी में श्रेणी सर्किट के ऊपर जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें क्या क्या संबंध होता है। अब देखो, इसके बारे में देखें तो ये होता कि इस परिपथ में, कौन से परिपथ में, इस आरएल श्रेणी सर्किट में आप लोगों ने पीछे दो तीन वीडियो देखे होंगे जिसमें देखा कि प्योर रजिस्टिव सर्किट क्या होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, उनके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त की और उनके आधार पर वो तो सिर्फ इंडिविजुअली थे, अलग अलग एक एक परिपथ का निर्माण किया था और अलग अलग सबका अध्ययन किया था, लेकिन आज उन दो दो जैसे आर एल के साथ जोड़ेंगे, आर सी के साथ जोड़ेंगे, एल सी के साथ जोड़ेंगे, आर एल सी तीनों साथ जोड़ेंगे तो क्या क्या प्रतिक्रिया होंगी उनके बारे में देख रहे हैं। तो आर एल श्रेणी सर्किट में आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊं आपको मैं कि आर एल श्रेणी सर्किट में क्या होता है। जैसे ये आप लोगों ने लिया रजिस्टेंस और ये लिया इंडक्टेंस, दो चीजें ली, दो राशियों का यदि दो युक्तियां लगाई तो इसमें होगा क्या। देखो, आप लोग देखोगे कि इन दोनों परिपथ में, कौन से में, इन दोनों को श्रेणी में संयोजित किया तो आपको कहीं इंडक्टेंस कैपेसिटेंस नजर आ रहा है, कहीं नहीं नजर आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार के परिपथ में कैपेसिटेंस नहीं होता है, केवल रजिस्टेंस व इंडक्टेंस होता है। जैसे आप लोग देखोगे ये क्या है, ये आर है और ये क्या है, ये एल है। अब आप लोगों ने इतना देखा होगा कि जब कोई चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, मेरी बातें गौर से सुनना और आप लोग अच्छे तरह समझ जाओगे और मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, फिर भी मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो उसमें विद्युत धारा के परिवर्तनों का विरोध कौन करता है, ये करता है आर। तो यहाँ क्या होगा, आर। यदि उसी चालक तार की आप किसी कॉयल का निर्माण कर देते हैं, किसी पुर्जे का बना देते हैं, जैसे इंडक्टर बना दिया, तो इस इंडक्टर में विद्युत धारा के परिवर्तनों का विरोध कौन करेगा। अब आप लोग देख चुके हो उस इंडक्टर में विद्युत धारा के परिवर्तनों का विरोध, जैसे इंडक्टर बनाया, जब तक ये चालक तार था तो आर विरोध, आर ने विरोध किया, अब यहाँ ये एल होगा तो एक्सल विरोध करेगा। एक्सल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो आप लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हो। फिर भी दोस्तों, इससे यदि अनजान हो, इसके बारे में नहीं पता है कि रिएक्टेंस क्या होता है, तो रिएक्टेंस का मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बना रखा है ताकि आप उसको देखोगे तो कभी आपके मन में कोई डाउट ही नहीं बचेगा कि सर रिएक्टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसका परिपथ में कितना बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये एक्सल, तो यहाँ क्या रहेगा, एक्सल रहेगा। अब आप लोग दो चीज देखियो कि इसमें क्या लिखेंगे, इस परिपथ में, कौन से परिपथ में, आर एल श्रेणी सर्किट में किसी प्रकार का कोई कैपेसिटेंस प्रयोग नहीं किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, इस परिपथ में कैपेसिटेंस नहीं होता है। नहीं होता है, एक तो यह है, तो केवल क्या रहेगा, केवल रेजिस्टेंस रहेगा व इंडक्टेंस रहेगा। एक तो ये दो बातें, इंडक्टेंस होते हैं, श्रेणी में होते हैं, श्रेणी में संयोजित होते हैं, दो बातें आ गई, श्रेणी में संयोजित होते हैं। अब आप लोग श्रेणी सर्किट की परिभाषा देख चुके हो, श्रेणी सर्किट में होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने यदि श्रेणी सर्किट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त है और यदि श्रेणी सर्किट के बारे में अच्छी तरह जानते हो तो आप लोग समझ गए होंगे कि श्रेणी सर्किट में क्या होता है कि पूरे परिपथ में धारा एक समान होती है, चाहे वो कितने भी कंपोनेंट लगा रखे हों, सब में धारा समान ही रहेगी। जैसे यहां लगा रखा रेजिस्टेंस, मान लीजिए कि सर्किट में धारा का मान 5 एम्पीयर है तो क्या रेजिस्टेंस में 5 एम्पीयर धारा नहीं प्रवाहित होगी, बिल्कुल रेजिस्टेंस में भी 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी और इंडक्टेंस में भी 5 ही एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी।
तो फिर ये कह सकते हैं कि इस सर्किट में कौन से में इस आरएल श्रेणी सर्किट में धारा पूरे परिपथ में समान रहेगी। तो ये धारा जैसे आप लोग देखोगे ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस धारा ये आई है, यहां वी है, वी क्या है वी एम, ये क्योंकि साइन ओमेगा टी, ये क्या है ये एसी है, ये आई आई एम साइन ओमेगा टी, ये आई एन साइन ओमेगा टी। मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा कि आपके मन में कोई कंफ्यूज ही नहीं बचेगा यदि आप लास्ट एंड तक वीडियो देखोगे। तो इस परिपथ से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके दिमाग में उसका आंसर नहीं होगा। यदि आपको विश्वास नहीं होता वीडियो को लास्ट एंड तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये अब देखो इसमें क्या बता, आप लोगों ने यदि एसी सर्किट पढ़े होंगे, आरएल ये रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट पढ़ा था आप लोगों ने, जैसे ये था। अब आप लोगों ने देखा कि इसमें धारा ये है, इसके आर पर क्या रहेगा मैं बताता हूं। देखो ये आर है, इसके आर पर, अब मैं आपको वी आर लिख देता हूं। वी आर क्या है आप लोग समझो कि वी आर, इसके आर पर मैंने वोल्टेज लगाया, वोल्टमीटर लगाया है, और एक इसके आर पर वोल्टमीटर लगाया है। तो आप लोग समझ जाओगे यदि आपने सीरीज सर्किट देखा होगा, आप लोग अच्छे तरह से वी एल है। ये वी आर क्या बताता है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, अर्थात इस रेजिस्टेंस से कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रखे हैं वो। और वी एल क्या है, ये बताता है कि इस इंडक्टेंस, इस इंडक्टर के आर पर कितने वोल्टेज है। तो ये तो थे इन दोनों के कि ये वोल्टेज दोनों वोल्टेज हैं। यहां जैसे मान लें कि 200 वोल्टेज लगाया, तो इसने कितना वोल्टेज खपत किया, इसने कितना वोल्टेज किया, वो दोनों वोल्टमीटर बताएंगे। ये तो थे इन दोनों की बात, ये वोल्टमीटर ये है। तो वी आर क्या है, वी आर क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, रेजिस्टेंस के आर पर वोल्टेज है, लिख लेना। और वी एल क्या है, ये वी एल है, इस इंडक्टर के आर पर वोल्टेज कितना है, इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वो ये दर्शाता है। ये बात दो बातें होगी। अब देखो आगे बताता हूं आप लोगों को कि इस सर्किट में कौन सी आरएल श्रेणी सर्किट में यहां रेजिस्टेंस होगा अकेला। जैसे आप लोगों ने रेजिस्टेंस अकेला सर्किट में प्रयोग किया, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसमें धारा और वोल्टेज के बीच संबंध क्या था, दोनों इन फेज थे, ऐसे ऐसे आप लोगों ने सिंबल देखा था, ये वी आर था और ये आई आर थी, इसमें प्रवाहित दोनों इन फेज हैं, ये आप लोगों ने देख लिया। ये नहीं देखा तो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में कलांतर क्या था, कलांतर डिग्री का मान क्या था, 0 डिग्री था, इसमें कोई डिग्री नहीं थी। अब दूसरा देखा आप लोगों ने कि ये देखा एक इंडक्टर सर्किट, आपने प्योर इंडक्टेंस सर्किट देखा होगा, उसमें ये देखा आप लोगों ने, जैसे ये प्योर इंडक्टेंस सर्किट है, इसको एसी से प्रवाहित किया आप लोगों ने, तो क्या देखा था कि इसमें धारा वोल्टेज से, इसमें धारा वी से 90 डिग्री लैग थी, ये देखा था आप लोगों ने। क्यों थी वो आप सर्किट को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि लैग क्यों होती है। 90 डिग्री लैग थी, इसका मतलब ये था कि आप लोगों ने ये देखा था कि ये वोल्टेज और ये धारा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लैग थी, ये वी एल और ये आई, ठीक है ना, ये इसमें और इन दोनों में। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो इससे 90 डिग्री लैग थी, और इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो इसके इन फेज थी। तो ये क्या हो गया, लैग, 90 डिग्री लैग थी धारा। ये आप लोगों ने देखा वी और आई में संबंध क्या है, वी और आई में 90 डिग्री का संबंध है, दोनों में कलांतर है, ये देखा था आप लोगों ने। अब देखो इतने समझने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें ये धारा, इसमें धारा इन फेज चलेगी और इसमें धारा लैग चलेगी। जब ये प्योर इंडक्टेंस था तब तक तो लेग चली थी, लेकिन आज प्योर नहीं है क्योंकि इसके साथ में क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या चाहेगा कि धारा को इनफेज लेके चलूं, और इंडक्टेंस क्या चाहेगा कि मैं धारा को 90 डिग्री लेग लेके चलूं। तो फिर इन दोनों में कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहां इस धारा का विरोध कौन करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, यहां इस धारा का विरोध कौन करेगा, एक्सल करेगा। तो फिर ये एक्सल और आर में क्या संबंध होगा, एक्सल और आर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, एक्सल और आर में क्या मिलेगा वो देखेंगे। तो इसका मतलब कि यहां धारा का विरोध कौन करेगा, आर करेगा का एक्सल करेगा, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या आती है, तो इसका भी आप अध्ययन करेंगे। देखो इतनी बातें समझ में आ चुकी है आप लोगों को क्योंकि इतना तपन पढ़ चुके हैं। अब आगे देखेंगे कि इस परिपथ में धारा कौन से में, इस परिपथ में धारा देखेंगे कौन से, आरएल सर्किट में इस परिपथ में धारा क्या रहेगी, धारा बराबर आई, ये आई, ये आई बराबर ये आई, इसमें क्या, ये कौन सी धारा है, इसमें आई आर है, इसमें कौन सी धारा है, इसमें आई एल है, तीनों में बराबर रहेंगे, तो आई आर बराबर आई एल होती है। अर्थात अर्थात क्या लिख सकते हैं कि पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में धारा समान होती है, क्योंकि क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि आर व एल श्रेणी में संयोजित हैं, और श्रेणी सर्किट की विशेषता आप लोगों को पता है, श्रेणी में संयोजित है। चलो इतना निष्कर्ष निकल गया, मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट चल के आपको पूरा निष्कर्ष बताऊंगा कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं हो। अब आप लोगों ने देखा था कि डीसी सर्किट था, डीसी सर्किट था, तो आप लोगों ने देखा कि यहां टोटल वोल्टेज मान लिया कि 100 लगाया आप लोगों ने, क्योंकि डीसी में आरएमएस मान ही अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान ही आरएमएस मान होता है। तो आरएमएस मान का यदि योग करते हैं, देखो आरएमएस मान का योग करते हैं, यहां पे देखो ये
यहां तो क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ा, जैसे मान लो कि यहां 100 वोल्टेज था, तो यदि 25 वोल्टेज यहां था तो 75 वोल्टेज यहां था, दोनों का बात ये दोनों का योग था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, एसी सर्किट में ऐसा नहीं होता। आप लोगों को पूछा थे कि यहां आप लोगों ने 100 वोल्टेज लगाई एसी के, और यहां इस वोल्टमीटर ने जैसे कि 30 वोल्टेज दर्शाए, तो यह 70 होगा? बिल्कुल 70 नहीं होगा, कभी भी याद रखना बात, यह 70 वोल्टेज नहीं होने वाला है। ये डीसी सर्किट नहीं है, एसी सर्किट है, इसीलिए इसको पढ़ना अनिवार्य होता है। आप लोग देखो कि एसी सर्किट में भी यदि डीसी की भांति प्रयोग कर देते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है, आप कभी आंसर देने वाले नहीं हो सकते। तो ये देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर योग होगा। कैसे, मैं आपको वेक्टर डायग्राम से समझाऊंगा कि कैसे होता है। तो मैं लिखा देता हूं कि इस परिपथ में कुल वोल्टेज क्या होगी। कुल वोल्टेज बराबर देखो V, V है, कुल वोल्टेज VT लिख देते हैं, या टोटल वोल्टेज क्या होगा, ये VT है, ये होगा VT। तो अब VR और V, इसका वेक्टर योग होता है। वेक्टर योग कैसे दर्शाते हैं, VR प्लस VL दोनों का वेक्टर योग होगा। और वेक्टर योग होता है तो इन दोनों का मान अलग अलग हो सकता है। अब वेक्टर योग कैसे देखेंगे, मैं आपको एक वेक्टर डायग्राम से समझाता हूँ, आपको अच्छे तरह समझ में आएगा कि वेक्टर योग होता क्या है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो वेक्टर योग देखते हैं क्या होता है। देखो वेक्टर योग ये होता है, देखो मैं इसका डायग्राम बनाऊँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यदि इंडक्टेंस सर्किट पढ़ा होगा, कैपेसिटेंस सर्किट पढ़ा होगा, यदि रेजिस्टेंस सर्किट पढ़ा होगा, तो करंट वोल्टेज में क्या संबंध होता है उसको दर्शाता हूँ। देखो आपको मैं यहाँ देखो, ये था आपका वी आर, ये क्या है वी आर, वी आर ये साइन ओमेगा टी, ये देखा था आप लोगों ने, ये कोस ओमेगा टी, ये आप लोगों को मैंने बना के दिखाया था, ये साइन ओमेगा टी और ये कोस ओमेगा टी, ये प्लस में था, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, इतना देखा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो इतना देखने के बाद आप लोगों को पता है कि धारा, ये वोल्टेज है, इसमें धारा देखिए आप लोगों ने, ये धारा चल रही है, इसमें धारा का मैग्नीट्यूड वोल्टेज से कम होता है, क्योंकि वी बराबर होता है आई इंटू आर। तो ये नहीं कह सकते कि धारा भी इसके बराबर चलेगी, हाँ चलेगी इन फेज में। तो इस सर्किट को देखते हुए यहां देखेंगे तो धारा यही है। अब धारा ये है इस कुंज में, इस रेजिस्टेंस में धारा ये है, तो ये लिख सकते हैं कि आई, देखो आई बराबर आई आर भी है और आई बराबर आई एल भी है, तीनों, तो धारा यही रहेगी, धारा यही रहेगी। लेकिन अब आप लोगों को पता है कि धारा यही रहेगी क्योंकि धारा इन फेज चलने वाली है। धारा यदि यही रहती है तो वोल्टेज कहां जाता है, वोल्टेज इसमें देखा जाए, कौन से में, इस, इसको देखा जाए तो धारा यहाँ है, और इसको देखा जाए तो वोल्टेज धारा से लीड करता है, वोल्टेज धारा से लीड करता है। फिर ये कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से लेग करती है, ये तो कह सकते हैं, क्योंकि धारा वोल्टेज से, मैंने आपको बताया कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लेग होती है। और लेग और लीड कब होता है, मैंने आपको सर्किट डायग्राम से समझाया था, वेक्टर डायग्राम से, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो दो राशि एंटी क्लॉकवाइज चलती है वो लीड होती है, आपको याद होगा, और जो राशि क्लॉकवाइज चलती है वो लेग होती है, ठीक है। तो आप इसको इधर दर्शा दो, जैसे मैं दिखाता हूं कि मैंने बताया कि धारा वोल्टेज से लैग होती है या फिर वोल्टेज धारा से लीड होता, बात एक ही है। देखो धारा वोल्टेज से लैग कर दो एक बात, या वोल्टेज को धारा से लीड कर दो, क्योंकि अब देखो एंटी क्लॉकवाइज चला, आप इस दिशा में इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हो, इस दिशा में। अब मैं बताता हूं, देखो यदि यह वोल्टेज है, मान ली ये वी आर है, ये वी आर है, वी आर दर्शाया यहाँ पे मैंने कि वी आर चला गया, वी आर यहाँ पे 90 डिग्री आता है, क्योंकि वोल्टेज में और वोल्टेज धारा में करंट का मान कितना होता है, कलांतर का मान कितना, 90 डिग्री होता है। धारा से वोल्टेज लीड चला गया, धारा से वोल्टेज लीड चला गया कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मैंने वोल्टेज को एंटी क्लॉक, क्योंकि वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब मैंने बताया कि वोल्टेज लीड कर दो या फिर धारा, देखो धारा इस वोल्टेज इस वी एल से धारा लेग है, वी एल से धारा लेग है, क्लॉकवाइज है, फिर वोल्टेज ये वी है और ये आई है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो अब होगी बात, ये वी आर था और ये वी एल है, गौर से देखना। अब इन दोनों का यदि मैं वेक्टर डायग्राम से दी आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो क्या होता है, यहां से आता है ऐसे, ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे। अब इन दोनों में वोल्टेज कितना रहेगा, कुल वोल्टेज ये रहेगा, ये कुल वोल्टेज होगा, क्योंकि ये लीक करेगा, ये इसके इनफेज चलेगा, तो कुल वोल्टेज का मान कितना रहेगा, ये रहेगा। तो ये हो सकता है वी आपका, ये वी रहेगा आपका वी। अब ये इतना क्या, देखो यहां से यहां तक क्या था, वी एल है, और यहां से यहां तक क्या है, देखो धारा की बात नहीं करें तो यहां से यहां तक क्या है, ये वी आर है। तो वी, अब वी ये वेक्टर होगी, हो गया, अभी क्या बन गया, देखो आप गौर से देखो कि एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये यहां से यहां तक का, देखो यहां से ये और ये और ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब इसकी राशि क्या निकलेगी, ये निकलेगी, देखो ये बन गया, ये क्या है वी एल है, ये क्या है V है, क्योंकि V की राशि आई है, और ये क्या है V R है। अब वेक्टर योग दर्शा दो आप लोगों इसका, किसका वेक्टर योग। अब देखो वेक्टर योग में क्या होगा, V बराबर वेक्टर योग ऐसे, तो V स्क्वायर बराबर V R स्क्वायर प्लस V L का स्क्वायर,
सॉरी ये बाद में लगाएंगे, एक कंडीशन ये आ गई। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो आगे क्या लगाएंगे, आगे लगाएंगे इसका रूट, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर का रूट लगा दिया। ये होता है आपका वोल्टेज ज्ञात करने का तरीका, नहीं कि आप सीधा इसको डायरेक्ट जोड़ोगे। आप लोगों ने डीसी में श्रेणी सर्किट पढ़ा था तो आप लोगों ने डायरेक्ट जोड़ा था, लेकिन यहाँ व्यक्त योग से जोड़ा जाता है। तो कभी कभार प्रश्न आता है कि एसी सर्किट आर एल हो, आर सी हो, आर एल सी हो, तो कुल वोल्टेज क्या होगा? तो यहाँ लिख सकते हैं, मैंने लिखा था इस सर्किट में कुल वोल्टेज लिखवा देता हूँ। इस सर्किट का कुल वोल्टेज आर वी आर वी एल का वेक्टर योग होता है। लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या ये लिखा, कुल वोल्टेज क्या होगा, वी आर वी एल का वेक्टर योग होगा। याद रखना बात, सीधा वोल्टेज नहीं जुड़ेगा, ठीक है। एक तो ये था आप लोगों को। अब आगे और देखें कि आगे क्या देखेंगे कि वेक्टर योग से आप लोगों ने वोल्टेज तो निकाल लिया, तो धारा वोल्टेज में क्या संबंध रहेगा? क्या बता सकते हैं कि ये वोल्टेज यहाँ पे आया है, ये आ गया वी, तो इसमें ये आर तो क्या चाहेगा कि धारा को इन फेज लेके चलूं, लेकिन ये वोल्टेज ये क्या चाहता है कि धारा को 90 डिग्री लेके चलूं। तो इन दोनों में क्या संबंध, धारा अब ये धारा का कोण हो गया, ये वी आ गया वी से इस वोल्टेज से, ये तो चाहता है कि 90 डिग्री लेग और ये चाहता है इन फेज चलें, लेकिन वोल्टेज तो ये आया इस वोल्टेज से, इस धारा का क्या संबंध हो गया, ये तो आपका आ गया वी और ये आपकी होगी धारा, तो ये हो गया धारा थीटा कोण। अब बताओ 90 डिग्री है, नहीं है 90 डिग्री, तो कितना डिग्री है, ये होता है कॉस फाई, ये होता है कॉस फाई। 90 डिग्री नहीं है तो क्या कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से लेग तो है, धारा वोल्टेज से पश्च है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री कब होती, कि ये यहाँ से ये वी एल था, ये आई थी, तब होता 90 डिग्री यहाँ पे, लेकिन कुछ डिग्री का मान यहाँ पे आया है। तो कह सकते हैं इस परिपथ में कौन से में आर एल सर्किट में धारा वोल्टेज से लेग होती है, लेग में पश्चगामी होती है, पीछे होती है, कितने डिग्री, जीरो से 90 डिग्री के मध्य होती है, रहेगी लेग, ये बात रहेगी लेग, लेकिन जीरो से 90 डिग्री के मध्य रहेगी, न कि पूर्ण रूप से 90 डिग्री होगी, न कि पूर्ण रूप से इन फेज होगी, ठीक है। तो ये हो सकता है बात, मैंने आपको एक याद होगा कि जब मैंने पावर फैक्टर पढ़ाया था या फिर इंपेडेंस पढ़ाया था, तो आपको ये बताया था कि एक तराजू होता है, मैंने आपको तराजू का सर्किट एक चित्र बना के दिखाया था कि ऐसे, ये देखो ये यहाँ से एक था, यहाँ लेग था और यहाँ लीड था, और ये बनाया था ऐसे, याद होगा आप लोगों को, ये ऐसे बनाया था मैंने आपको। देखो ये था R, ये था मैंने लिखा था ये L और ये था C, यहां XL था और यहां XC था, गौर से देखना, ये बनाया था इसको। आप यदि अच्छे तरह समझ जाते हो तो आपको ये पावर फैक्टर की समस्या नहीं आएगी, धारा की समस्या। अब देखो यहां से मैंने ये बताया कि इन तीनों में से माने कि इसको, ये तो है नहीं, इसमें इसको हटा देते हैं तो वजन किधर रहेगा, इधर रहेगा। तो आप कितना भी आर लगा दो, कितना भी रेजिस्टेंस बढ़ा दो, लेकिन ये लगिंग, ये लेगिंग ही रहेगा, पावर फैक्टर लेग ही रहेगा। याद रखने वाली बात आ गई कि आप इस सर्किट में कितना भी रेजिस्टेंस बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ तो अक्षी तो है ही नहीं, क्योंकि अक्षी लगाएंगे तब ये पड़ाव उठ के आएगा। अब देखो कितना झुक गया, मान लीजिए कि झुक के नीचे ऐसे ही आ जाएगा बिल्कुल, आप आर कितने बढ़ाएंगे, ये झुक के ऐसे आ जाएगा नीचे, ये आर ऐसे, ये नीचे ऐसे ही झुक के आएगा, ऐसे ही रहेगा हमेशा ही, ऐसे ऐसे रहेगा, क्योंकि हाँ एक्सी तो है ही नहीं, एक्सी का मान तो जीरो कर रखा आप लोगों ने, क्योंकि इसमें नहीं है, तो ये हमेशा लेग ही रहेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि आर एल श्रेणी सर्किट में पावर फैक्टर हमेशा लेग ही होता है, लीड कभी नहीं हो सकता, इन यूनिटी कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें आप दीदी ये देखोगे कि आर एल सर्किट में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, पावर फैक्टर क्या रहेगा। अब इस सर्किट को देखो, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर मैंने आपको बताया, पावर फैक्टर कोस फाई होता है। देखो पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई, लिखते जाना। अब कोस आप लोगों ने देखा होगा कि एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है एल ए एल, लाल बटे कक्का, ये था आप लोगों ने, इसको गौर से समझना। ये एल, ये एक ये कॉम्बिनेशन, ये साइन का है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन कोस का है, और तीसरा कॉम्बिनेशन साइन कोस टेन का है, तीन कॉम्बिनेशन अपने पास, ये इसका है, ये इसका है, तो ये हो गया। अब कोस में देखो क्या आता है, कोस में आता है ए बटे करण, आधार बटे का, ये लंब बटे करण, आधार बटे करण, लंब बटे आधार, ये आता है, ठीक है ना। तो अब इसे भी देखो कि कोस में क्या आ गया, लंब बटे आधार बटे करण आ गया, तो कोस बराबर आधार बटे करण हो गया। अब आधार क्या है इसका, आधार वी आर, ये आधार है, ये लंब है और ये करण है, इस सर्किट में ये आधार था, तो आधार क्या है वी आर, तो लिख सकते कोस फाई क्या रहेगा, वी आर, और करण क्या आ गया वी, इससे भी आप कोस फाई का मान क्या, काफी बार पूछा जाता है कोस फाई बराबर क्या होता है, आप लोग एक ही याद रखते हो सर आर अपॉन जेड होता है, सर वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है, ये तो देखते हो, लेकिन नहीं,
कोस फाई का मान ज्ञात करने का आप ये भी कर सकते हो कि वी आर इस रजिस्ट ये जो वोल्टेज होता है उसमें इसका भाग दे देंगे तो आपका कोस फाई का मान निकल जाएगा, ये कोस फाई आ गया। तो कोस फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण में वी आर अपॉन वी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसमें इस टोटल वोल्टेज का भाग दे देगी तो क्या निकल जाएगा, आपका कोस फाई निकल जाएगा। याद रखने वाली बात आ गई। तो एक तो ये आता है इसमें आर एल सर्किट में, तो कितनी बातें होगी। अब देखो धीरे 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 आप देखोगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये बताओ कि इस सर्किट में पावर फैक्टर लैगिंग रहेगा कि लीडिंग रहेगा, तो आपको बताया पावर फैक्टर हमेशा लैग ही रहेगा। ये लैग इधर है और लीड इधर है, यूनिट इधर है, तो लैग ही रहेगा, लीड नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगा। आप इसका मान कितना दर्शाएंगे, कितना बढ़ा आर का मान, लेकिन यहाँ ये झुका रहेगा, ये झुका रहेगा, तो उसे लीग अब कितना होगा, 90 डिग्री लैग होगा ना, 90 डिग्री लैग नहीं होगा, तो जीरो से 90 डिग्री के मध्य लैग रहेगा। ये इसका एक निष्कर्ष निकलता है। आगे इसके बारे में इंपीडेंस देखते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट देखते हैं, फिर इनके एक सामूहिक रूप से कितने फॉर्मूले बनते हैं, धारा का मान क्या रहेगा, जेड का मान क्या रहेगा, वो देखते हैं आगे के। अब देखो आप लोगों से पूछा जाए इस परिपथ की, मैं सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को, इस परिपथ की कुल प्रतिबाधा क्या होगी। अब कुल प्रतिबाधा कैसे याद करेंगे, अब प्रतिबाधा देखो क्या होती है, मैंने प्रतिबाधा मैंने इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस पढ़ा चुका हूं मैं, क्या पढ़ाया देखो इंपीडेंस में, कि जिस परिपथ में आर होगा वहां रेजिस्टेंस होगा, जिस परिपथ में ओनली इंडक्टेंस होगा वहां एक्सल होगा, जिस परिपथ में ओनली कैपेसिटेंस होगा वहां एक्सी होगा, विद्युत धारा के विरोध करेगा। लेकिन जहां आर एल सी तीनों में से, किस में से, आर एल सी तीनों में से दो लग गए, ये दो लग गए, ये दो लग गए, ये दो श्रेणी में लग गए, तो फिर विद्युत धारा का विरोध कौन करेगा, विद्युत धारा का विरोध उसको कहते हैं, विद्युत धारा का विरोध जेड करेगा, जिसको बोलते हैं प्रतिबाधा कहते हैं। तो जिस परिपथ में आर व इंडक्टेंस ये रिएक्टेंस होगा, आर ये रिएक्टेंस है, कौन सा, प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसकी इकाई ओम होती है। तो फिर आप लोगों ने देखा कि आर ये भी विद्युत धारा का विरोध, अक्सर विद्युत धारा का विरोध, अक्षी विद्युत और जेड आ गया, तो ये तीनों जहां लग जाते हैं, दो लग जाते हैं, वहां विद्युत धारा का विरोध जेड ही करेगा, जिसको बोलते हैं प्रतिबाधा, जिसकी इकाई ओम होती है। तो यहां विद्युत धारा का इस सर्किट में विरोध कौन करेगा, ये करेगा। अब मैं उसको बताता हूं कि जेड क्यों करेगा और इसका मान कितना होगा। तो फिर कह सकते हैं जेड का मान कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने यदि प्रतिबाधा पढ़ाई आप लोगों ने देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने इंपीडेंस एक ट्रायंगल पढ़ाया था, इंपीडेंस त्रिभुज का वर्गीकरण पढ़ाया था, इंपीडेंस त्रिभुज में क्या था, फिर मैं आपको बताऊंगा इंपीडेंस त्रिभुज में क्या था। देखो इंपीडेंस त्रिभुज ये था कि ये ऐसे ये ऐसे, यहां क्या था अक्सल था, यहां आर था, यहां जेड था। अब ये क्या था, Z बराबर मैंने आपको लिखाया था कि R स्क्वायर प्लस अक्सल स्क्वायर का रूट, ये पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, टोटल बातें बताई थी, फिर भी आज इसको दोबारा दोहरा देता हूं। लेकिन अब देखो आगे इस चीज आया क्यों, मैं इसकी बात करता हूं, इसका एक फॉर्मूला दिखाता हूं आपको कि इस फॉर्मूले को क्रिएट, ये फॉर्मूला क्रिएट कैसे हुआ वो देखते हैं। मतलब कि आप बारीकी से पढ़ोगे, आप जीरो लेवल से पढ़ोगे तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। आप टोटल का टोटल जो इक्वेशन आते हैं, जो फॉर्मूले आते हैं, जो न्यूमेरिकल आते हैं, उनको आसानी से हल कर सकते हो। और परीक्षा में इन्हीं के आधार पर एक दो फॉर्मूले आते हैं, इन्हीं के आधार पर दो चार प्रश्न आते हैं जो आप दिमाग में कंफ्यूज लेके बैठ जाते हो कि सर समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि आपके समझ में नहीं आए और आपका आंसर नहीं दे पाओ। तो अब क्या देखेंगे कि इस परिपथ की कुल प्रतिबाधा क्या होगी, प्रतिबाधा की बात करते हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया, फिर देख लो कोई बात नहीं। टोटल इंपीडेंस में कुल प्रतिबाधा क्या होगी, प्रतिबाधा देखते हैं। देखो अब आप लोग इतना मेरे पास गौर से सुनना, ये तो आप लोगों को बताया है मैंने, अब क्रिएट कैसे हुआ आप लोग जानते हो। इस परिपथ में I बराबर क्या है, I बराबर वी एल सॉरी I बराबर आई आर बराबर आई एल, तीनों धाराएं बराबर हैं इस परिपथ में क्योंकि श्रेणी है। तो इस परिपथ का कुल वोल्टेज आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि V बराबर देखा था, V बराबर V R स्क्वायर ये देखा था, प्लस V L स्क्वायर ये देखा था, क्योंकि वेक्टर योग था दोनों को ये देखा था। अब देखो यहां इस परिपथ में V R धारा प्रवाहित है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे ज्ञात करेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करना, तो V बराबर होता है I इंटू R होता है, आई तो एक समान है, आर ले लेते हैं ये, तो इसका रेजिस्टेंस ये ले लेंगे, इसमें क्या है आर है, यहां क्या एक्सल है, तो ये देखो वी बराबर, देखो V बराबर क्या लिख सकते हैं, V बराबर होता है I इंटू आर होता है, इसको याद रखो। तो I तो सब में समान है, अब R I R इसको कोष्टक लगाओ और स्क्वायर लगा दो, क्योंकि ये V का मान रखा मैंने और कुछ नहीं किया, प्लस इस V में ये अक्षर है और ये आल है, ये इसमें I तो बराबर है, तो लिख सकते हैं I अक्षर
बस यहाँ मैंने वी का मान रखा है कि आई इंटू एक्सल, इससे किस में होता है, इंडक्टेंस में होता है, इंटू एक्सल, ये हो गया। अब देखो आप लोगों को पता है कि आई क्या है, दोनों में कॉमन है, तो आई स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर ये बचा है, ठीक है, ये निकालिए कॉमन और इसके ऊपर रूट लगाते चले जाना, ये रूट लगा दिया, ये रूट लगा दिया। अब देखो इस वी आई का पक्षांतर निर्धारित कर देते हैं, तो इसमें देखो ये इसके ऊपर रूट हटा देते तो आई अकेला बचा, इस दो से रूट से दो कैंसिल हो जाता, तो वी बटे आई बचता है, बराबर क्या बच गया, वी बटे आई बराबर बच गया, आई तो गया इधर, तो बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर का रूट बच गया। तो यही मैंने आपको बताया था कि ये प्रतिबाधा होती है, और वी बटे आई क्या होता है, देखो वी बटे आई बराबर जेड होता है, जेड क्यों हुआ, देखो यहाँ क्या है, विद्युत धारा का विरोध कौन करेगा, प्रतिबाधा करेगी विद्युत धारा, मैं उसका वेक्टर डायग्राम समझाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं, वेक्टर डायग्राम से समझाऊंगा आपको कि विद्युत धारा का विरोध कौन करेगा, प्रतिबाधा करेगी। तो आप लोग को देखिए आर बराबर क्या होता है, देखो ये भी ओम में है, आर भी ओम में, आर बराबर होता है कि वी बटे आई, यहाँ आर तो है नहीं, आर के बदले में कौन आ गया, जेड आ गया, तो इस वी बटे आई बराबर जेड होता, तो यहाँ लिख सकते हैं जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर का रूट, और इसकी इकाई ओम होती है, प्रतिबाधा की, इसको जेड से दर्शाते हैं, इसकी इकाई ओम होती है, एक तो आता है। अब इसका वेक्टर डायग्राम समझाऊंगा आपको लोगों को, वेक्टर डायग्राम देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है आर है, यहाँ के ये क्या है, ये आर की लाइन है, यहाँ क्या है, यहाँ एक्सल है, क्योंकि ये एक्सल की लाइन, देखो ये एक्सल ज्ञात करें, इसको यदि आप देखोगे कि ये आर यहाँ पे आ गया, ये क्या है, ये आर है, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे आप इसको देखोगे कि एक्सल क्या होता है, एक्सल लीड करता है, 90 डिग्री लीड करता है, एक्सल 90 डिग्री, ये आ गया आपका एक्सल, या आप आ गया एक्सल, तो आर और एक्सल का वेक्टर योग क्या है, दोनों को देखेंगे तो यहाँ आता है जेड, तो ये क्या बच गया, जेड हो गया, ये क्या हो गया, एक्सल हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। तो अभी देखो इसका वेक्टर योग ये हो गया कि जेड बराबर ये आर, क्यों, लंब बटे, वेक्टर योग में क्या होता है कि लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आता है, वेक्टर योग में क्या था, आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, ये आता है, जेड का मान ज्ञात करेंगे, तो ये मान ज्ञात कर देते कि इस ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो के बराबर होता है, इसका मान ज्ञात करें जेड का, तो आ गया आधार स्क्वायर प्लस और किसका स्क्वायर आता है, लंब का स्क्वायर आता है, ये लंब का स्क्वायर आ गया। आधार क्या है इसमें, देखो ये के बराबर क्या है, जेड, आधार बराबर आर प्लस, ठीक है ना, और ये क्या है अक्षल, ये इसका वेक्टर योग से भी यही आता है, वेक्टर योग से ज्ञात करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में धारा और वोल्टेज के बीच में कोण का मान थीटा डिग्री है, ये क्या है, कोस फाई है, ठीक है। अब कोस फाई कैसे ज्ञात करें, देखो कोस फाई का मतलब तो आपने बताया कि कोस फाई आधार बटे करण होता है, आधार क्या है इसके अंदर, आर है, आधार क्या है, आर है, करण क्या है, जेड है, तो लिख सकते हैं कोस फाई बराबर इसमें क्या होगा, आर अपॉन जेड होगा, ये कोस फाई का सूत्र आता है इसमें, लेकिन कोस फाई लैगिंग ही रहेगा। तो इस परिपथ में पावर फैक्टर का मान कैसे ज्ञात करें, पावर फैक्टर का मान आर अपॉन जेड, जो प्रतिबाधा आती है उसमें आर में उसका भाग दे देते हैं, रेजिस्टेंस जितना भी होगा उसमें उसका यदि डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पावर फैक्टर का मान मिल जाएगा। दोस्तों यही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एक चीज़ और आएगी आपके सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखो कि उस सर्किट में धारा वोल्टेज करंट कोस फाई फिर अपने पावर इनमें क्या संबंध था, कि इनमें देख लिया आप लोगों ने, तो इस सर्किट में आपको एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस सर्किट में धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखो धारा बराबर आप वो ओम के नियम वाली बात आ गई कि आई बराबर होता है वी बटे आर, आर बराबर होता है वी अपॉन आई, और आई बराबर वी बराबर होता है आई इंटू आर, तीनों चीज़ें याद रखना, आपको तीनों चीज़ें बताता हूँ इस परिपथ में, कौन से परिपथ में, इस परिपथ में आर बराबर क्या होगा, देखो मैं तीनों बताता हूँ आपको। सबसे पहले आई बराबर क्या होगा, आई बराबर वी तो आता है, लेकिन वी की जगह क्या है, आर की जगह क्या है, आर की जगह यहाँ पे जेड है, न कि आर है न एक्सल है, इन दोनों के बदले में क्या निकाला था, जेड निकाला था, जो प्रतिवादा है, जो इस विद्युत धारा का विरोध करती है, तो उसको लिखेगी वी बटे जेड। ये तो इस परिपथ में धारा का मान ज्ञात किया जाएगा, एक तो बात आ गई है, गौर से मेरी बातें सोचते एक पॉइंट पॉइंट सोचते चले जाना। फिर पूछा जाए कि आर बराबर जेड बराबर क्या होता है, इस परिपथ में जेड का मान, जेड के बदले में क्या है, जेड ये आर के बदले में है, तो वी बटे आई, इसमें v अपॉन आई निकालेंगे, v का मान आप लोगों को दिया नहीं है, तो इन दोनों का वेक्टर योग करके निकाल लेंगे, आपको मिल जाएगा, ये हो गया। फिर उसके एक z का सूत्र ये, अगर एक z आप लोगों ने ये निकाल ली, निकाल लिया z का मान, जो प्रतिबाधा है, फिर इस परिपथ में v बराबर पूछा जाए, तो v बराबर मान मिलेगा आपको i इंटू जेड, ये मिलेगा आपको, तीनों चीज़ें आ गई शॉर्टकट में आपको, ये आती हैं। लेकिन उसके बाद और पूछा जाए, पावर का मान पूछा जाए, पावर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पावर ज्ञात करने के लिए करंट व वोल्टेज के बीच का कालांतर अवश्य लिया जाता है, कि कितने डिग्री का कोण होता है वो अवश्य लिया जाता है। तो इस परिपथ में पावर की बात करें कि कुल पावर क्या होगी, P बराबर बात करें, इस परिपथ में P बराबर यदि बात करें, P बराबर होता है VI तो होता ही है,
और ये होता है कोस फाई, ये इस परिपथ का कुल पावर रहेगा। लेकिन पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर आप लोगों ने क्या ज्ञात किया था, पावर फैक्टर बराबर एक तो आर अपॉन जेड ज्ञात किया और दूसरा वी आर अपॉन वी ज्ञात किया, ये पावर फैक्टर ज्ञात किया दो लोगों ने। लेकिन एक पावर फैक्टर और आ गया, क्या आ गया कि आप लोगों ने अभी देखा है कि पी बराबर क्या देखा कि पी बराबर वी आई कोस फाई देख लिया आप लोगों ने, तो कोस फाई ये तो है, इसको ज्ञात करें तो क्या कोस फाई बराबर पी अपॉन वी आई, ये भी कोस फाई की श्रेणी में ही आता है, इसको भी कोस फाई निकाल सकते हैं, ये भी कोस फाई निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, ये भी पावर फैक्टर, लेकिन पावर फैक्टर लैगिंग होगी याद रखना बात, एक से कम होगा 0.9 हो सकता है, वो तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस इंडक्टेंस का मान कितना है। लेकिन अब एक चीज़ और देखना कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बच चुकी है जो कि आपको काफ़ी बार कन्फ्यूज करने वाली होती है, जो कि आपको बताऊंगा क्या कहाँ कन्फ्यूज होता है और परीक्षा में प्रश्न कहाँ से टच होने वाले होते हैं, जहाँ किसे प्रश्न उठने वाले होते हैं, वो आप लोग देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि पूरे सर्किट में होता क्या है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। अब देखो इस सर्किट में, कौन से सर्किट में, एक छोटा सा फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको, मैं यहीं से देखते हैं आपको भी दिखाता हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि आप लोगों ने क्या देखा था कि एक्सएल बराबर क्या था, यहां भी इसका रूल से अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, अक्सल बराबर क्या था, अक्सल बराबर 2πfL ये देखा था, अक्सल बराबर ये भी देखा था ओमेगा एल देखा था, अब ओमेगा मतलब ओमेगा का मान कितना था, ओमेगा बराबर 2πf था, लेकिन 2πf की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा लिख दिया, ये देखा था आप लोगों ने कि इनका मान कॉन्स्टेंट है, इसका मान कॉन्स्टेंट है, इसका मान कॉन्स्टेंट है 2π का, तो ये देखा था कि अक्सल समानुपाती एफ होता है, ये देखा था आप लोगों ने। इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके मन में जो कंफ्यूज है, जो कि आपको यदि बुक में नहीं देखा तो आपको मिल जाएगा, मैं सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को। एक देखो ये इसमें क्या था कि अक्सल यदि फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है तो यहाँ क्या है, यहाँ एसी लगा रखी है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, यदि उस फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ा दिया जाए, गौर से देखो उस फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ा दिया जाए तो परिपथ में कहाँ कहाँ इफेक्ट डालेगी, वो धारा क्या होगी, जेड क्या होगा, कोस फाई क्या होगा, उसके बीच का कोण का मान क्या होगा, सब बातें देखेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो डिपेंड करता है पूरा एसी का सर्किट। तो इसी सर्किट में यदि फ्रीक्वेंसी घटा देते हैं, यदि बढ़ा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अब आप लोगों को पता है कि आर के ऊपर, इस आर पर इस फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं है, तो आर क्या है, आर यहां कांस्टेंट रहेगा, आर नियतांक रहेगा, आर के ऊपर फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखना नियत रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर प्रभाव कहां पड़ेगा वो देखते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने बढ़ाई, मेरी बातें गौर से सुनना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो सबसे पहले क्या प्रभावित होता है, सबसे पहले यहाँ से बढ़ाते हैं पूरे सर्किट में, देखो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सबसे पहले इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, एक्सएल का मान बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्सएल का मान बढ़ जाएगा, तो ये एक्सएल बढ़ा देते हैं। अब आप लोगों को पता एक्सएल बढ़ेगा, गौर से देखना एक्सएल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आप लोगों ने देखो ये है एक्सएल, ये है, यहाँ से मैंने आपको ये बताया था कि एक वेक्टर डायग्राम ये था कि ये देखो यहाँ से ये आप लोग देख रहे हो, ये आर है, ये अक्सर इसको मैं यहाँ से उठा के ये क्या है, ये जेड है। अब अक्सर के मान को बढ़ा रहे हो आप लोग, धीरे धीरे यहाँ बढ़ाओगे, अक्सर के मान को बढ़ाया तो ये सर्किट यहाँ पे आएगा, तो क्या डिग्री ये थीटा कोण नहीं बढ़ेगा, थीटा कोण अवश्य बढ़ेगा। अब अक्सर के मान को बढ़ाया आप लोगों ने, जो बढ़ाया तो ये और ऊपर चलता जाता है, तो जेड का मान नहीं बढ़ेगा, अक्सर का मान बढ़ाते ही, क्योंकि ये देखो ये है अक्सर बढ़ाया तो जेड बढ़ेगी, आर बढ़ाया तो जेड बढ़ेगा, तो अक्सर बढ़ाया तो किसका मान बढ़ेगा, जेड का मान अवश्य बढ़ेगा, ये जेड बढ़ा दिया आप लोगों ने, जेड का मान बढ़ा दिया। अब आगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलते चले जाएंगे, जेड का मान बढ़ा है, अब आप देखो कि जेड अक्सर बढ़ा, जेड बढ़ा है, जेड का मान जो बढ़ेगा तो इस थीटा का मान नहीं बढ़ेगा, इस कोण का मान बढ़ेगा, किसके धारा व वोल्टेज के बीच में कोण का मान, ये थीटा का मान बढ़ गया है, थीटा डिग्री का मान बढ़ेगा, क्योंकि थीटा डिग्री बढ़ेगी, किस किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है ये चीज़, ये इंपिडेंस किस किसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है उसके बारे में बात करते हैं, कि परीक्षा में आता है यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए तो जेड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि इस आरएल सर्किट में फ्रीक्वेंसी का मान दोगुना कर दिया जाए तो इंपिडेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना इंपिडेंस बढ़ेगी, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो एक्सएल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सएल बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो करंट और वोल्टेज के बीच का कोण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन अब देखो आगे बढ़ेगा तो कोस फाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो यहाँ से इस डिग्री का मान बढ़ रहा है, डिग्री का मान बढ़ रहा है तो कोस फाई लो चला जाएगा, क्योंकि एक तो था यहाँ पे, अब जो जो इस डिग्री का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये होता है डिग्री का मान करंट डिग्री यू बढ़ेगी तो ये और लैगिंग चलती जाएगी, और लैगिंग चलती जाएगी, धारा का मान लैगिंग होता जाएगा, धारा लैगिंग चलती चली जाएगी, धारा लैगिंग चल के पावर फैक्टर घट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं कोस फाई घट जाएगा, थीटा डिग्री बढ़ेगी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं याद रखना, थीटा डिग्री और कोस दोनों के विपरीत होते हैं, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा ये बढ़ेगा, दोनों के एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखो आप लोगों ने देखा था कि जेड का मान बढ़ा है, इसमें परिवर्तन जो आप लोगों देखिए आर बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, धारा घटेगी, लेकिन आर की जगह यहाँ पर क्या है जेड है, जेड मतलब जेड का मान बढ़ रहा है तो इस परिपथ में धारा का मान घट जाएगा, तो लिख सकते हैं आगे आगे यहाँ डैश लगा के लिखना कि धारा का मान घट जाएगा,
तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से धारा घटेगी? बिल्कुल घटेगी, वो तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो कितनी बातें निकल के आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ गई कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अक्षर का मान बढ़ता है, प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से प्रतिबाधा बढ़ती है, प्रतिबाधा यदि बढ़ती, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट और वोल्टेज के बीच का कोण बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कोस फाई का मान घटता है, लो होता है। ऐसा नहीं है कि जीरो से, मान कि पहले 0.7 था, तो क्या अब 0.7 से 0.8 जाएगा, 8 जाएगा तो सुधार की तरफ आएगा, लेकिन नहीं, घटेगा, 0.6 चला जाएगा, इसका मतलब पावर फैक्टर और लो जा रहा है, तो पावर फैक्टर घटेगा। अब पावर फैक्टर घटेगा तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा घट जाएगी, ठीक है ना। ये होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से धारा भी घटती है, ये इन दोनों में कॉम्बिनेशन होता है। अब इसका उल्टा करें, फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी घटा देते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी घटा देते हैं तो क्या होगा? एक्सएल का मान घटेगा, एक्सएल का मान घटेगा तो जेड का मान घटेगा, जेड का मान घटेगा तो दोनों के बीच डिग्री का मान घटेगा, कोस फाई सुधरेगा, बढ़ेगा, कोस फाई बढ़ेगा तो क्या धारा का मान घट जाएगा, ये धारा का मान घटेगा, सॉरी धारा का मान बढ़ जाएगा। ये इन सब में कॉम्बिनेशन निकल के आता है कि इसमें करंट वोल्टेज पावर फैक्टर इंपीडेंस इन दोनों में क्या होता है, तो पूरे परिपथ में ये आ गया। लेकिन दोस्तों एक बात और निकल के आ गई सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, ठीक है। अब वो बात क्या बच गई कि काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि आरएल श्रेणी सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है, समय नियतांक क्या होता है। टाइम कांस्टेंट मतलब यहां से इन दोनों में, जैसे ये तो धारा लेग करेगी, ये धारा लीड करेगी, तो कितने समय में दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कितने समय में ये धारा को इनफेज चलाएगा और ये धारा को लैग चलाएगी, ये इंडक्टेंस। लेकिन लैग चलाएगी दोनों का मान बीच में, धारा कब तक आके रुक जाएगी? वो धारा बीच में आएगी दोनों की, जैसे ये धारा बीच में आई है दोनों की, धारा कब तक बीच में आएगी? कितने डिग्री? 90 डिग्री तो लैग होने वाली नहीं है और प्योर इनफेज में नहीं होने वाली है, तो बीच में रुकेगी धारा, तो बीच में रुकेगी, तो कितने समय में आके बीच में धारा अपने मान को कॉन्स्टेंट कर लेगी, उसको कहते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। कितने समय में कर लेगी वो, उसको कहते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। तो नोट लगा के लिखने वाली बात आ गई कि आर एल श्रेणी सर्किट में श्रेणी परिपथ में टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट का मान कैसे कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट को देखो, ये टाइम कॉन्स्टेंट को ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे ये इसको टाउ बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, टाउ का मान कितना होगा? एल अपॉन आर रहेगा, याद रखना बात। टाइम कॉन्स्टेंट क्या रहेगा? एल अपॉन आर। तो काफी बार दिल्ली मेट्रो में, एनटीपीसी में, जैसे कि बिजली विभाग में काफी बार पूछा था कि एल आर सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, एल आर श्रेणी सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, वो पूछा जाता है। तो एल आर श्रेणी सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट एल अपॉन आर होता है, इसके एल में आर का भाग दे देंगे तो वो एक समय नियतांक निकल जाएगा। ये दोस्तों आपका था आर एल श्रेणी सर्किट। तो अब अगले वीडियो में क्या देखेंगे कि आर के साथ आप लोगों ने आर के साथ एल को जोड़ा, एक्सएल को जोड़ा, अब आर के साथ एक्स को जोड़ेंगे, उस एक अगले वीडियो का अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये जो सर्किट बन रहे हैं, इन सर्किटों में आपसे पूछा जाए कि धारा वोल्टेज पावर फैक्टर में संबंध क्या, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आगे जाके आप एसी मशीन पढ़ोगे, आपको इंडक्टेंस इंडक्टिव लोड मिलेगा, जहां धारा मिलेगी, जहां रेजिस्टेंस मिलेगा, जहां पावर फैक्टर का मान ज्ञात करना पड़ जाएगा, पावर फैक्टर में धारा वोल्टेज के बीच का कोण कितना होगा वो ज्ञात करना पड़ जाएगा, तो सारी बातें पूछी जाएंगी। इसलिए उस एसी मशीनों को पढ़ने से पहले उचित यह समझा गया था कि आप लोग एसी सर्किट का अध्ययन करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, जो अगले वीडियो में देखेंगे कि आरसी श्रेणी सर्किट क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।